नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दया आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रेन का स्टैचू। ये मैंने सारस का एक चित्र लिया है और हमें चाहिए इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग कार्डबोर्ड। इसे कार्डबोर्ड पर या तो फ्री हैंड बना लेंगे या फिर कार्बन पेपर की हेल्प से ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके के हमें दो पीस रेडी करने हैं। ये दोनों पीस मैंने कट कर लिए हैं। ये मेरे पास कुछ पॉलीथीन पड़ी हुई हैं, तो इसे कवर करने के लिए मैं ये पॉलीथीन ही यूज़ कर रही हूँ। इसे यूज़ करने से हम जो वॉल पुट्टी या फिर क्ले यूज़ करेंगे वो कम यूज़ होगा और ये स्टैचू भी लाइट वेट रहेगा। मास्किंग टेप की हेल्प से मैंने इसे स्टिक कर दिया है। दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से इसे कवर कर लेना है। इसकी बीक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वायर का यूज़ किया है। इसी तरीके से हमें दूसरा पीस भी रेडी करना है। पॉलीथीन की जगह हम फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने ये दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। ये मैंने ली है वॉल पुट्टी। इसमें हमें ऐड करना है पानी। थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी इसमें ऐड करना है। इससे हमें एक डो रेडी करना है। डो कैसे रेडी करना है उसका एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो डो कैसे रेडी करना है अगर आप सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। डो को हमें चपाती की तरह बेलकर और फिर छोटे छोटे पीसेस में कट कर इसके ऊपर लगाते जाना है। हाथों में पानी लगाकर इसके जॉइंट्स को अच्छी तरीके से चिपका देंगे। गीले हाथों से ही हमें इसे फिनिशिंग देनी है। एक साइड से ये पूरी तरीके से कवर हो चुका है और अब मैं इसे सूखने के लिए छोड़ दूंगी। इसी तरीके से मैंने दूसरा पीस भी रेडी कर लिया है। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनकर रेडी हो गया है। दोनों पीस अच्छी तरीके से ड्राई हो गए हैं। इसकी लैग बनाने के लिए मैंने ये कुछ बैम्बू स्टिक्स ली हैं और मास्किंग टेप से मैंने इसे कवर कर दिया है। इसकी लैग बनाने के लिए मेटल की कोई स्टिक ले सकते हैं। मेरे पास वो नहीं थी इसलिए मुझे ये बैम्बू स्टिक्स का यूज़ करना पड़ा है। इसके लेग को इसकी बॉडी में अटैच कर देंगे। इसके होल को वॉल पुट्टी से अच्छी तरीके से फिल कर दिया है और नीचे की साइड से इसके पैरों को अच्छी तरीके से शेप दे देंगे। इसके ड्राई होने के बाद मैंने इसे अच्छी तरीके से सैंड पेपर से फिनिशिंग दे दी है। बैम्बू स्टिक के ऊपर फेविकॉल लगाने के बाद उसे अच्छी तरीके से फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे और उसके बाद मैंने इसे ऊपर से मास्किंग टेप से कवर कर दिया है। अभी इसके पैरों में जो जॉइंट्स हैं उसे शेप दे रही हूँ। ये मेरे पास प्लास्टिक के डिब्बे का कैप है और वॉल पुट्टी के डो से मैंने इसे फिल कर दिया है।
अब इसके पैरों को इस स्टैंड में सेंटर में सेट कर देंगे। और होल को चारों तरफ से अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे। और अब मैं इसे सूखने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैंने डो से कुछ स्टोन्स रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी और फेविकॉल को मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया है। और इस पेस्ट को मैं इसके पैरों पर अप्लाई कर रही हूँ। एक कोट सूखने के बाद मैंने इसके ऊपर दूसरा कोट कर दिया है। 3D आउटलाइनर की हेल्प से मैं यहाँ पर कुछ डिजाइन बना रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पैरों के ऊपर मैंने लाइट पिंक कलर कर दिया है। यहाँ पर मैंने वॉल पुट्टी और पानी को मिक्स करके एक पेस्ट बनाया है। और इसी पेस्ट की हेल्प से हम स्टोन्स को इसके ऊपर चिपका देंगे। वॉल पुट्टी और फेविकॉल से हमने जो पेस्ट बनाया था उसे मैंने इस कैप के ऊपर भी अप्लाई कर दिया है। स्टैचू बनकर रेडी हो गया है, अच्छी तरीके से सूख चुका है। और अब हम इसके ऊपर कलर स्टार्ट करेंगे। इसे पेंट करने के लिए मैं एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रही हूँ। इसकी बॉडी के लिए मैंने लाइट शेड का यूज़ किया है। यहाँ पर मैं स्काई ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। पर मैंने जो 3D आउटलाइनर से डिजाइन बनाया था उसके अंदर की साइड में गोल्डन येलो कलर से फिल कर रही हूँ। ये स्टैचू प्लेन सा मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ डिजाइन इसमें बना दिया है। गोल्डन के चारों तरफ मैंने ग्रे कलर से आउटलाइन दे दी है। इससे हमारा गोल्डन कलर हाईलाइट होगा। पेंटिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है। सारस का जोड़ा बनकर रेडी हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना ना भूलें। और वीडियो को अपने क्रिएटिव फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।